हेलो गाइस, वेलकम टू पीज व्लॉग। आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम सिखाने वाले हैं कैसे आप घर में होममेड मस्टर्ड सॉस बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और पहले आपको कच्चा आम लेना पड़ेगा, उसको अच्छे से छील के फिर उसको हम लोग छोटा छोटा करके, एकदम छोटा छोटा करके, जो मीम ही उसका हो जाएगा ऐसा करके दाना करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने कैसे किया है, आप सब भी ऐसे कर सकते हैं, मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जब हो जाएगा इसको थोड़ा रख के फिर इसके ऊपर नमक और हल्दी अच्छे से मिला देंगे। आपको पता है कोई चीज़ स्टोर करने के लिए हम लोग नमक यूज़ करते हैं, उसमें नमक मिलाने से वो ज़्यादा देर स्टोर रहता है, अच्छे से रहता है, ख़राब नहीं होता है। और मिक्स करने के बाद इसको हम धूप में रखा देंगे। तो धूप में जो रखना होता है उसको अच्छे से रखने के बाद बीच बीच में आपको जाके पानी निचोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है जब हम लोग नमक यूज़ करते हैं। और सूखने के बाद कुछ ऐसा लगे, उसके बाद हम लोग लाल मिर्च और मस्टर्ड सीड जो है वो ले लेंगे, उसको ब्लेंड कर लेंगे। और जो सूखा हुआ आम था उसको भी हम लोग थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद एक बोल में उसको मिला देंगे। आपको पता ही है गर्मी के टाइम में आम खाने में कितना मज़ा आता है। तो अगर आम को ऐसे करके स्टोर करके खा पाएंगे तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद जो कंटेनर में आपको रखना है वो कंटेनर में रख दीजिए। और तेल लीजिए, सरसों का तेल, विनेगर लीजिए, अच्छे से उसमें मिक्स करके और उसको धूप में थोड़ी देर के लिए रख, और फिर इसका एंजॉय लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ 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 मुझे फॉलो कीजिएगा।